महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले से एक दर्दनाक शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है और हृदय को विदारक करने वाली और हृदय को खिलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर केवल मात्र बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की 14 अप्रैल को जयंती मनाने से नाराज लोगों ने उसे हमला करके जान ले ली। यह पूरा घटनाक्रम आपको बता दें कि सामने आने के बाद देश भर में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये लोग केवल मात्र इस 24 साल के दलित युवक से इस बात से नाराज थे कि उसने 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती गाँव अंदर बनाई थी। यह पूरा घटनाक्रम महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के अंतर्गत आने वाले बोंदर हवेली गांव की है, जहां पर पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान अक्षय बालेराव के रूप में हुई है। पुलिस ने शनिवार को बयान देकर कहा है कि महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को दलित मनाने के कारण 24 वर्षीय एक दलित युवक की हत्या कर दी गई है। हत्या करने वाले तथाकथित ऊंची जाति के लोग हैं, जो कि एक शादी के अंदर जश्न मना रहे थे और उनके पास उस समय तलवारें हाथ में थी। और उसी समय आपको बता दें, अक्षय बालेराव और उसका भाई आकाश को देखकर आरोपियों में से एक व्यक्ति ने कहा, देखो यही वो लड़का है जिसने बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है वो 14 अप्रैल को मनाई थी, इनको सबक सिखाना चाहिए। और इस बात को लेकर वहां पर तीखी नोकझोंक हुई और इस दौरान अक्षय बालेराव की पिटाई की गई और धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और उसके बाद उसके भाई को पीटा भी गया। अक्षय बालेराव को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन भर्ती करने से पहले ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। इस मामले के अंदर पुलिस का बयान आया है कि आईपीएससी की धारा के तहत हत्या के प्रयास, दंगा और हमले के साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें आगे जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं, जहाँ पर केवल मात्र भारत के एक विधि विधेता और भारत के भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती मनाने मात्र से कुछ लोगों को इतनी आपत्ति है कि उन्होंने एक परिवार के बच्चे की जान ले ली, 24 साल के एक दलित नौजवान युवक की जान ले ली। मिले नौजवान लड़के अक्षय बालेराव का जिस तरीके से उसकी हत्या की गई है, तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा निंदनीय है, हम उसकी निंदा करते हैं। जिस तरह से आज इस मुल्क के अंदर जानवरों को मारा जाता है, उससे भी भयानक तरीके से आज इंसानों का कत्लेआम किया जा रहा है। और ये समझते हैं कि दलित समाज मुसलमान मरने के लिए पैदा हुए हैं, इन्हें मार दो, इनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। आज नांदेड़ के अंदर ये घटना हुई, अगर आज इसे हम रोकेंगे नहीं तो शायद किसी और शहर के अंदर कोई और नौजवान का कत्ल होगा और हम ऐसे ही खामोश बनकर, तमाशाई बनकर देखते रहेंगे। इसलिए ये तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, सभी जाति धर्म और मज़हब के लोग एक साथ मिलकर आकर ये एक संदेश देना चाहिए कि अगर कोई इस तरह की घटना होती है, हम सभी लोग इसका निंदा करते हैं। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने क्रांति चौक के ऊपर ये धरना आंदोलन दिया और इसी के ज़रिए हम सरकार को एक पैगाम देने के लिए भी यहाँ पर आए हैं। ये सिर्फ एक छोटी सी झांकी है, अगर आप जो हत्यारे हैं